आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रायपुरा उपखंड के स्वयंसेवकों के द्वारा आज 16 जनवरी को सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मां सरस्वती की तिलक वंदन कर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर ध्रुव सिंह लोधी, एडवोकेट हरिशंकर जोशी, डॉक्टर शशिकांत साकेत, पुष्पेंद्र अग्रवाल, बेटू महाराज, ओमकार यादव, प्रमोद रैकवार, छोटू रजक, कैलाश सेन के साथ अन्य स्वयंसेवक पूजन में शामिल हुए। साथ ही हरिशंकर जोशी ने बताया कि मां सरस्वती हमें विद्या, वेद, ज्ञान, वर्ग, कला और बुद्धि, संगीत देती हैं, अतः प्रातः सुबह उठकर मां सरस्वती की वंदना करनी चाहिए। बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि मां सरस्वती जो ज्ञान की दात्री हैं, उनकी नित्य उपासना करें, उनका घर अपने चित्र, उनका चित्र हर घर में स्थापित होना चाहिए। और जब ज्ञान हमारे पास होगा, विद्या हमारे पास होगी, बुद्धि हमारे पास होगी, तब ही हम प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि विद्या बुद्धि के बिना आज तक कोई प्रगति नहीं कर पाया है। ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्धि शारीरिक बल से बड़ी होती है, और यदि बुद्धि नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। और आज मांग शुक्ल पंचमी है, आज के पर्व को संपूर्ण हिंदुस्तान में और संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, हम सबको मनाना चाहिए। मैं इसके साथ गायत्री परिवार का कार्यकर्ता भी हूँ, तो गायत्री परिवार में परम पूज गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस आज मनाया जाता है शांति कुंज हरिद्वार में, एवं जहाँ जहाँ गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, सभी जगह बड़े उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। यज्ञ हो रहे हैं एवं विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं। बहुत प्रसन्नता है आज के दिन परम पूज इस ब्रह्मांड को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजन वंदन किया गया, और मेरा तो प्राणी मात्र से यही निवेदन है, मानव मात्र से यही निवेदन है कि माँ सरस्वती का हमेशा पूजन किया करें। और ये आज जो बसंत पंचमी का आरंभ है, तो इस दिन के बाद कुछ नयापन का महसूस होता है, और हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र प्रतिपदा को प्रारंभ होता है, लेकिन उसकी शुरुआत माँ सरस्वती की जन्म जयंती से ही होने लगती है। और पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान देने वाली देवी माँ सरस्वती की अभी कुछ ऐसी विडंबनाएँ आती हैं, अधिकतर घरों में 90% परिवारों में मैंने देखा कि चित्र उपलब्ध नहीं हैं। तो मेरा आग्रह है सभी से, सभी लोग पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के लोग माँ सरस्वती की प्रतिमा जरूर रखें। यह दिख रहा है, ये सौंदर्य का प्रतीक है यह पर्व। इस पर्व को सभी हंसी खुशी उल्लास के साथ मनाते हैं, माता सद्बुद्धि की दात्री हैं। रायपुरा से कैलाश सिंह की रिपोर्ट।